वो तो नहीं है खड़वाई। और तो पहले तो भूखे पड़े हां, स्टैंड बना ले का है ना ऊपर तो बना ली। हाथ ना छोड़ लो बे, बांध काल मारी तो पहले बात चेन रहा काम के साथ तमाम ने सुतन और भी हाथ में छोटी भी था लटकाए जड़ी में नहीं तुम बताया था निकल तो बिना ये बेइज्जती कर हमें आए हम तो थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है ठीक ठाक तो नहीं गीडी गोइंका हाय हाय 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 हमारी मांगे पूरी कराओ तो कोई एम्फाइस करनी ना करनी दो चीजें हैं, एक तो ये है कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है, आप भी नहीं ले रहे थे ठीक है, उन्होंने कुछ बाहर भी लगा दिया था ऐसा बच्चों ने बताया कि बाहर लगा हुआ है दो तीन महीने हो चुके हैं, दो तीन महीने नहीं एक डेढ़ महीना हुआ है उसको भी, एक महीना करीबन हुआ है। अब जो दूसरी बात तुम्हारी थी कि उसने फाइलें रोक दी थी, फाइलें तो ले ली उसने उनके ऑफिस ने लेकिन फाइलें वो रोक दी ठीक है, तो रजिस्ट्रार साहब उनसे मिल के आए थे आपके जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे उनसे ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो हम प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, फिर बाद में ये हुआ कि वहाँ से मेल आया हमारे पास कि भाई आपके और उन्होंने मैटर लिखा, मैटर ही बताऊँगा क्या है, तो आप जो है आके मिलो, तो मैं जाके आया हूँ, मिल के आया हूँ वहाँ पे अध्यक्ष से, आपका लास्ट बेच था जिसको जॉब की परमिशन दी थी हमने फाइनल सेमेस्टर के अंदर, उसमें भी आपके अटेंडेंस मंगवाते थे, उसमें भी बहुत सारे काम टीम किए थे हमने ठीक है, हमारा काम आपके लिए क्या रहता है कि हाँ कॉलेज की तरफ से अगर आपको टाइम से डिग्री नहीं मिली हो, हमने आपकी पाँच साल चार साल की डिग्री छः साल में दी हो, आपकी एग्जाम नहीं कराई हो, तो कॉलेज फॉल्ट में है सर, कॉलेज फॉल्ट की बात नहीं है ना सर, ये तो कॉलेज नहीं है, नहीं नहीं भाई एक मिनट बताओ, मैटर कॉलेज ऐसे नहीं बेटा, कॉलेज का मैटर कैसे होगा सर, कॉलेज का मैटर है बताओ कैसे हुआ सर, वो दो बच्चे जो भी थे चलो ठीक है, अब उसकी वजह से सब बच्चों की डेट से वो गलत नहीं है ना, उन्होंने किसी ने नौकरी करी नहीं करी वो तो कोई बात ही नहीं, किसी ने नहीं करी ऐसा आज तक, हमने तो कोई बच्चा देखा नहीं जिसने पढ़ते पढ़ते नौकरी करी, अटेंडेंस दे ली, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं था सबसे पहले, मैं आपको यही तो कह रहा था, आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा, बेटे पहले अप्रैल से लाइसेंस आने स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यही बोला था उसने, आप समझो उन्होंने यही चीज बोली, उसके बाद कम से कम भी नहीं करके उसको, पहली बार मैंने फोन किया जब रोहित सर गए और इन्होंने मुझे चार्ज दिया, मैंने उसी दिन उसको फोन किया कि सर रोहित सर चले गए हैं, मैंने चार्ज दिया हुआ है, बच्चों का कुछ मैटर अटक रहा है, तो उन्होंने ये बोला कि लेटर नहीं आया आपका सर, ये प्रिंसिपल चेंज हुआ है, ये बात है तुम्हारी फरवरी लास्ट की, कॉलेज क्या कर सकता है, अब हम आपसे बहस करेंगे उसमें कोई फायदा नहीं है, चाहे जितना झगड़ ले, चाहे आपसे झगड़ ले, चाहे बीसी सर से झगड़ ले, उसमें कोई फायदा नहीं है, मुद्दा ये है कि दोनों लोग साथ में मिलके अगर इस चीज़ में काम करेंगे तो भी कोई सोल्यूशन निकल सकता है, इसमें आपकी भी हेल्प लगेगी, अकेले बच्चे कुछ कर नहीं सकते, आप लोगों को इस सर देखिए आप इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे, कोई ऐसे तो है नहीं कि कहीं इंसान हो कि कोई छोटा सा कॉलेज गाँव में किसी ने खोल दिया हो पास लेके, अच्छा का सर रिप्रेजेंटेटिव आपका नाम है, बताओ क्या है, नहीं सर हम क्या बताएं, आप भी सोल्यूशन देंगे ना, आपके आगे पढ़े हुए बच्चे उनको डेढ़ डेढ़ साल हो गए, अब ऐसे चार साल खराब करने का क्या फायदा, तुम्हारी बात मान, अभी तुम तो एक बार आना, आप ये बताइए आप बच्चों के लिए कर क्या रहे सर, ये क्या कर रहे हैं मैं बता रहा यार, वहाँ पे उसको डॉक्यूमेंट हमने सारे भेज दिए, उसको 500 फोन कर दिए, वो फोन सर ऐसे थोड़ी सर, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी थोड़ी है, कोई पर्सनल आदमी भी छोटा सा काम करवा सकता है, आपका इतनी बड़ी संस्था है, पॉलिटिकल अप्रोच सुनो मेरी बात, मैं आपको वही बोल रहा हूँ, यार मैं क्या कह रहा हूँ, का फॉल्ट यही है कि जीडी गोइंका तुमको नॉन अटेंडिंग बीफॉर्म कराता है, नहीं नहीं बस फिर उन्होंने बोला फैकल्टी आगे मिलती नहीं है, नहीं बोला फैकल्टी आगे कोई मिलता नहीं है, ना कोई यहां पर डीन आता है, ना कोई वहां से रजिस्ट्रार आता है सर, आप लोग एलएनटी से बच्चे को आप सुनो,
सर या तो आप ही बोले और ये गलती है बता सच्चाई सर कारण वोटिंग का तो बना लिया उसने, कारण वोटिंग का तो बना लिया ठीक है, और वोटिंग में मान लो रोहित सर थे सर से कर ले रहे हो वो तो बता दो इनसे बहस करके लोग क्या वोटिंग बहस नहीं कर रहे सॉल्यूशन तो देंगे या तो इनके साथ लेकर चलो सारे डॉक्यूमेंट दे दी जीडी बैंक की तरफ से हां सर कोई गलती नहीं है हमारी तरफ से कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है सर सीधा दिक्कत ये आ रहा है कि अगर मैं जीडी गोइंका की जगह ऐसे बात अरे सुन लो भाई बोल लेने दे अगर मैं जीडी गोइंका की जगह सर किसी एक छोटे से कॉलेज से या नॉन रेप्यूटेड है ये तो खूब रेप्यूटेड है अगर उससे मैं फार्मेसी करता तो शायद मेरा अब तक लाइसेंस बहुत पहले आ चुका होता सुन रीजन रीजन यही है कि हम जीडी गोइंका से पास आउट है सर सर एक सर सुनो मेरी बात सुनो सर अगर कोई दिक्कत है उसको रिलेटेड जीडी गोइंका में कोई फ्रॉडबाजी हो रही है और जीडी अब वो बच्चा पिछले एक एक साल से जॉबलेस घूम रहा है तो सर आपसे रिक्वेस्ट है आप अगर मतलब कोई डॉक्यूमेंट्री अगर कोई चीज और कमी हो रही हो तो सर आप प्लीज बता दीजिए ठीक है मैं आपको एक बार रिमाइंड कराता हूं कब कराऊं सर कल कराऊं मंडे कराऊं अच्छा ठीक है ट्यूसडे जाएंगे आप ठीक है सर मैं आपको ट्यूसडे एक बार मॉर्निंग में रिमाइंड कराता हूँ मैं एक पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ आपको चाहे तो व्हाट्सएप कर दूंगा जितने बच्चों के रजिस्ट्रेशन रुकते हैं आप किसकी बोल ये अपनी हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल एट द रेट जी मेल डॉट पे मैं जितने बच्चे जिनका भी रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है बैच वाइज डिप्लोमा डिग्री दोनों तो वो लिस्ट सर मैं भेज देता हूँ आपको और सर ये पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे थोड़ी सी सर इसको करवाएं क्योंकि बच्चे बड़े परेशान हैं सर ये वहाँ धक्का खा रहे हैं वहाँ से यहाँ कॉलेज धक्का खाते हैं ठीक है सर मैं आपको रिमाइंड करता हूँ ओके सर थैंक यू फिर तो दादा तो ये थी सच्चाई जीडी गोइंका की ये बोलो ये सिनेमैटिक्स लेते हुए ओहो फिर से बताइए क्या कहने चाह रहे थे आप हम क्यों आए थे कॉलेज प्रोटेस्ट में आए थे पर बिरयानी खाएंगे चलते हैं भूख लग रही है प्रोटेस्ट गया पर यार से बात हुई है वो कर रहे हैं होता है हो जाएगा ये जीडी गोइंका की सच्चाई थी जो कहते हैं मेरे उस पे कि जीडी गोइंका भाई एडमिशन ले या ना ले अब सुन लो ये बात है जीडी गोइंका की और कुछ ना है अभी तुम एडमिशन ले लो भाई फिर तो बदबू जा करो वो अच्छा लगता है रिस्पेक्ट करो तुम बूझ लो और लोग को लाइक करे फॉलो करे कमेंट करे सब्सक्राइब करे सकर प्राइज करे और नितिन की हेयर कट देखे हेयर कट बहन जो दूर दोनों जगह के दिखा दिए तो देख ली बहन चोद यू घना लंबो राइट पड़ जाएगा मैं कुछ भी ना होएगा अरे मैं हूं तो चली और भाई कॉलेज वाले ने सीधी सीधी कह दी अपना जैक जुगाड़ लगा लो बात है बहन दुनियादारी बाढ़ में जाओ अपना लाइसेंस बाढ़ में जाओ डेढ़ साल हो गए लाइसेंस में